वेब डेवलपमेंट सीरीज में आज हम क्रिएट करेंगे सिंपल लोडर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अब कोड एडिटर यूज़ कर लेते हैं। मैं इस ट्यूटोरियल में वीएस कोड का यूज़ कर रहा हूँ। तो उसको ओपन करने के बाद सबसे पहले तीन फाइलें क्रिएट कर लेंगे जो हम आगे यूज़ करेंगे, जो कि होगी index.html, style.css और script.js। इसके बाद हम अपने index.html फाइल में जाएंगे और वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट html टेम्पलेट क्रिएट कर लेंगे। मैं अपनी स्क्रीन को मिनिमाइज कर ले रहा हूँ और साथ में ब्राउज़र भी ओपन कर ले रहा हूँ, जिससे मैं जो भी एडिटिंग करूँगा या फिर जो भी कोड लिखूँगा वो तुरंत ही रिफ्लेक्ट होकर आपको दिखाई दे। सबसे पहले हम अपने बॉडी सेक्शन में जाएंगे, वहाँ एक डिव क्रिएट करेंगे जिसको हम आईडी देंगे लोड नाम से। देन इस डिव के अंदर हम 7 डिव क्रिएट करेंगे जो कि हमारे लोडिंग के अल्फ़ाबेट को होल्ड करेंगे। इसमें हम लोडिंग नीचे से स्टार्ट करेंगे जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे एज एनिमेशन, तो वो कर देते हैं। देन हम इसको स्टाइल करने के लिए हम स्टाइल टैग को लिंक करेंगे अपने HTML से। अब हम अपने स्टाइल शीट में जाएंगे, वहाँ बॉडी एलिमेंट को टैग करेंगे। टारगेट करने के बाद उसकी बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई करेंगे और टेक्स्ट का कलर सेट करेंगे जो कि होगा वाइट। हम अपने डिव को टारगेट करेंगे उसकी आईडी की मदद से जो कि हमने दी थी लोड। अब इसकी पोजीशन सेट करेंगे एब्सोल्यूट, देन विड्थ दे देंगे 600 पिक्सल एंड हाइट दे देंगे 36 पिक्सल। नेक्स्ट हम स्पेसिफाई करेंगे लेफ्ट से पोजीशन 50% और टॉप से 40%, और मार्जिन दे देंगे हम लेफ्ट में -300 पिक्सल। अब हम इसकी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी सेट करेंगे जो कि होगी विजिबल। देन हम इसके बाद हम वेब किट यूज़र सेलेक्ट सेट करेंगे, तो इसके लिए प्रॉपर्टी लिखेंगे /webkit/user select जो कि होगी नन। देन हम इसको मोज यूज़र सेलेक्ट भी नन दे देंगे एंड ms यूज़र सेलेक्ट भी नन, और उसके बाद हम यूज़र सेलेक्ट स्पेसिफाई करेंगे नन और कर्सर दे देंगे हम डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट हम अपने लोड के डिप को टारगेट करेंगे जिसमें हम पोजीशन दे देंगे एब्सोल्यूट, विड्थ 20 पिक्सल और हाइट 35 पिक्सल। मैंने ओपेसिटी भी सेट करनी है लेकिन अभी मैं इसको हाइट कर दे रहा हूँ ताकि हमें जो भी चेंजेस हो वो विजिबल। बाद में मैं इसको कमेंट आउट हटा दूँगा। इसकी फॉन्ट फैमिली सेट करेंगे हम एरियल मैंने दी है। अब हम इसकी एनिमेशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करेंगे जो कि होगी मूव लीनियर इनफाइनाइट, यानी कि कंटिन्यूसली मूव करता है। अब हम इसकी नेक्स्ट हम लिखेंगे /o/animation प्रॉपर्टी, ये भी सेम ही रहेगी लीनियर इनफाइनाइट। देन स्लैश मूव की प्रॉपर्टी सेट करेंगे सेम, एंड वेब की भी सेम रहेगी। देन हम इसके ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी सेट करेंगे जो कि होगी रोटेट 180 डिग्री, और लास्ट में हम देंगे इसकी /o ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जो कि होगी सेम रोटेट 180 डिग्री। ये स्टेप हम तीनों के लिए परफॉर्म करेंगे जो कि होगी स्लैश माउस के लिए और वेब किट के लिए भी 180 डिग्री रोटेशन। अब इसके बाद हम अपने डिव के चाइल्ड एलिमेंट को टारगेट करेंगे जिसके लिए हम css लिखेंगे #load div:nth child और ब्रैकेट में हम 2 पास कर देंगे, यानी सेकंड चाइल्ड को हम टारगेट कर रहे हैं। तो इसकी एनिमेशन सेट करेंगे हम एनिमेशन डिले 0.2 सेकंड /o/animation delay 0.2 सेकंड, ये भी /mouse/animation भी हम 0.2 सेकंड लिखेंगे और webkit भी 0.2 सेकंड। ऐसे हम nth थर्ड चाइल्ड के लिए टारगेट करेंगे और इसमें हम 2-2 सेकंड सभी एनिमेशन के टाइम को बढ़ा देंगे। Thank you.
सेवेंथ एलिमेंट के लिए हम लिख देंगे 1.2 सेकेंड फॉर ऑल द केसेस। अभी हमारे की फ्रेम को ऐड करने की जिससे हमारा एनिमेशन विजिबल हो, तो इसके लिए लिखेंगे @ की फ्रेम मूव, देन हम 0% पे इसकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे लेफ्ट 0, ओपेसिटी भी 0 रखेंगे, देन हम इसकी प्रॉपर्टी 35% पे वो सेट करेंगे लेफ्ट 41% / मूव ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री एंड वेब किट भी 0 डिग्री रोटेशन, और लास्ट में हम स्पेसिफाई करेंगे / वो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी वो भी सेम रहेगी 0 डिग्री, और ट्रांसफॉर्म रोटेट लिख देंगे हम 0 डिग्री, और अब ओपेसिटी इसकी स्पेसिफाई कर देंगे हम 1, इससे ये विजिबल हो जाए। नेक्स्ट हम ये प्रॉपर्टी 65% पे इसकी सेट करेंगे जो कि होगी लेफ्ट से 59% और बाकी सब 0 डिग्री, और ओपेसिटी 100% पे हम इसकी लेफ्ट से पोजीशन 100% लिख देंगे, मोस्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे हम -100 डिग्री, ओपेसिटी इसकी 0 दे देंगे, हमारा एनिमेशन विजिबल हो रहा है, देख पा रहे हैं। ये था हमारा CSS, सिंपल है, इसको फुल स्क्रीन पे एक बार देख लेते हैं। हमारा लोडर कुछ इस तरह दिख रहा है।